आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 1400 कैलोरी डाइट प्लान कैसे होता है। इसमें है 50 टू 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन और उसकी खासियत है कि ये वेजिटेरियन डाइट प्लान है। तो चलिए फिर देखते हैं दिन भर का ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक 1400 किलो कैलोरी डाइट जिसमें के है 50 टू 60 ग्राम प्रोटीन और वेजिटेरियन। नमस्ते दोस्तों, मैं अवंती देशपांडे, एक क्लिनिकल और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट। आजकल वेट कम करने के लिए लोग काफी फैट डाइट्स फॉलो करते हैं। उसमें होता है कि कम कैलोरीज वाला डाइट फॉलो करना या फिर रिस्ट्रिक्टेड डाइट फॉलो करना। लेकिन वेट लॉस के साथ साथ आपकी स्किन भी अच्छी होनी चाहिए, हार्मोन्स भी बैलेंस होने चाहिए। इसके लिए आपको आपके बॉडी को नरिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आप 1 आवर ऑफ वर्कआउट करते हैं तो आपको अगर 1400 किलो कैलोरी डाइट लेना है और 50 टू 60 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए, वो भी वेजिटेरियन, तो आपको ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक क्या क्या करना है। आपके कैलोरी का इंटेक डिटरमाइन करने के लिए पहले आपको आपका वजन लेना है, उसके साथ साथ हाइट और उम्र। ये जब 3 चीजें आपको पता चले तो BMR चार्ट के कैलकुलेटर के हिसाब से आप अपने दिन भर के कैलोरी और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आपकी रिक्वायरमेंट 1400 किलो कैलोरीज है और प्रोटीन 50 टू 60 ग्राम है तो आपको ये डाइट जरूर फॉलो करना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर ये चीजें देख के आप एंजॉय करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। जब आप सुबह उठते हो तो आपको 1 ग्लास पानी लेना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपको चाहिए तो उसमें आप नींबू डाल के ले सकते हैं या फिर एप्पल साइडर विनेगर भी डाल के ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में हमें लेना है 1 पालक या मेथी का पराठा, उसके साथ में 1 कटोरी दही जो कि बना है काउज मिल्क से या फिर स्किम मिल्क से, और इसके साथ साथ आपको लेना है 1 फल। इसमें मैंने सेब दिखाया है लेकिन आपको जो कोई भी फल चाहिए आप उसके साथ ले सकते हैं। अभी आता है समय मिड मॉर्निंग स्नैक्स का, तो इसमें आपको 20 टू 30 ग्राम्स आलमंड्स और वॉलनट्स लेने हैं। इसमें आपको मिलेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ये आपको नरिश भी करेगा। अभी देखते हैं कि लंच में हमें क्या खाना चाहिए। तो लंच हमेशा स्क्वायर प्लेट मेथड के हिसाब से होना चाहिए। तो आज हम खाएंगे 50 ग्राम्स पनीर की सब्जी, उसके साथ साथ 1 कटोरी कटा हुआ क्यूकम्बर या फिर ककड़ी, इसके साथ साथ हम ले लेंगे 1 चपाती और फिर प्रोटीन के लिए बटर मिल्क। बटर मिल्क में है प्रोबायोटिक्स, आपको पनीर से प्रोटीन मिल जाएगा, ककड़ी से फाइबर मिल जाएगा, चपाती से कार्ब्स मिल जाएंगे और बटर मिल्क से मिलेगा प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स। अगर आपको चाहिए तो आप चपाती को चावल से भी रिप्लेस कर सकते हैं या फिर जवारी और बाजरे की रोटी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। 4 बजे का टाइम होता है जहां पे हमें लगता है कि कुछ चटपटा हो जाए, तो आज हम बनाएंगे स्प्राउट चाट। इसमें हमने लिया है 1/2 कटोरी मूंग स्प्राउट, इसमें हम डालेंगे ऑनियंस, टमेटोज और उसके साथ साथ हरा धनिया। आपको जो चाहिए वो आप इसमें सैलड की सब्जी डाल सकते हैं। ये अगर आप खाएंगे तो आपका पेट भरा भी रहेगा और आपको प्रोटीन्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अभी बारी आती है डिनर की। डिनर हमेशा लाइट होना चाहिए और आज हम बनाएंगे प्रोटीन रिच सोया नगेट से। ये बनेगा फ्राइड राइस जो कि आपको 1 कटोरी लेना है। इसके साथ में आप कोई भी सैलेड ले सकते हैं, इसमें मैंने ककड़ी दिखाई है। और अगर आपको चाहिए तो इसमें मिक्स रायता भी आप ले सकते हैं। बन गया ना एक इजी और टेस्टी डिनर। उम्मीद है कि आपको ये टेस्टी और हेल्दी डाइट प्लान पसंद आया है। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर भेजिए। आपको अगर पर्सनलाइज डाइट प्लान चाहिए PCOS, हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज के लिए तो हमें कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए, नंबर प्रोवाइड किया गया है। टिल द नेक्स्ट टाइम स्टे सेफ स्टे हेल्दी।